अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राखी का किचन। तो आज हम आपके साथ घरेलू प्याज की सब्जी जो है वो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है ये घरेलू प्याज की सब्जी और गर्मियों में बहुत ही शौक से खाई भी जाती है। तो अगर आप रेसिपी को एंड तक जो है वो देखेंगे तो आपके करेले कभी भी जो है वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपने रेसिपी को जो है वो पूरा एंड तक देखना है। तो चले सबसे पहले जो है वो करेलों को छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और अब इन्हें मैं छील लूँगी। ऊपर से जो है इनकी स्किन को जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा सा उतार लेना है। आप इन्हें बिना जो है वो इनकी स्किन को उतारे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है इसकी स्किन को जो है वो रिमूव कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है वो हम छिलका नहीं उतारेंगे। तो एक मैंने आपको इस तरह से छिलका उतार के दिखा दिया है। बाकी भी करेले आपने इसी तरह से जो है वो साफ कर लेने हैं। इनके बीज वगैरह निकालने के बाद जो है वो मैंने इन्हें बारीक टुकड़ों में जो है वो काट लिया है। सारे करेले इसी तरह जो है वो आपने काट लेने हैं। जब आप करेले काट लें तो इसे आपने फौरी तौर पर जो है वो नहीं धोना। यहाँ पर आपने इसे 2 टेबलस्पून नमक लगाकर कुछ सेकंड के लिए जो है वो रख देना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप रख दें। घंटों घंटों नमक लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें रखा था और करेलों ने जो है इस पर जो हमने नमक लगाया था ना, उससे इन्होंने अपना जो पानी है वो छोड़ दिया है। तो अब आपने इसे खुले पानी के नीचे जो है वो धो लेना है। कोई भी मलने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस अब इसे अच्छे से धोकर इसका जो है वो पानी आपने जो है वो हाथ से दबा कर जो है वो निकाल लेना है, इन्हें खुश्क कर लेना है। किसी भी कपड़े पर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से जो एक्स्ट्रा इनके अंदर पानी है वो हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो ऑयल हमने गरम कर लिया है। तो अब इसे हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। सारे करेले आपने एक साथ ही जो है वो तेल में डाल देने हैं और इसे आपने जो है वो हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है वो आपने फ्राई नहीं करना। जब इस तरह का कलर जो है वो आ जाए तो आपने करेलों को जो है वो निकाल लेना है। अब आपने जो है वो इसी ऑयल के अंदर ही आपने जो है 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक करके जो है वो डाल देने हैं और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 1 टेबल स्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। कटे हुए टमाटर शामिल कर दें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो है वो शामिल कर दें। ये मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली है, ये भी शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें और 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करके इसे मिला लें। और इसे अब आपने कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये अपने ही पानी में जो है वो मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार हो चुका है और इसमें हमने अब करेले जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब 1 मिनट के लिए हम इसे और कवर करके पका लेंगे। तो देखें, 1 मिनट बाद मैंने चेक किया तो मज़ेदार से हमारे करेले प्याज की सब्जी जो है वो बनकर तैयार है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप रेसिपी को ज़रूर बनाएं। करेले आपके कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।